सो हाय वॉलंटियर्स, वेलकम टू अवर न्यू बायोलॉजी सेशन। सो गाइस, आज के सेशन में हम करने वाले हैं बायोलॉजी का हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हमने लास्ट वीडियो में प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर था वो हमने पूरा फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने अपने बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जो स्टार्ट किया था लिविंग वर्ल्ड, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद ज्यादा रिकमेंडेड डिमांड यही आ रही थी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले चैप्टर पे वीडियो बनानी है, तो इसीलिए हमने उस चैप्टर पे वीडियो बनाई थी, वरना हम सीरीज से ही चलते। तो अभी हम स्टार्ट करें अपना चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या चैप्टर है, किस चीज पर डिपेंड और कैसा चैप्टर है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म के हर अलग अलग करैक्टर्स होते हैं, अलग अलग उनके आइडेंटिफिकेशन होती है। तो अगर हम उन सभी ऑर्गेनिजम्स को, उन सभी ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बना दें, मतलब ये सभी सेम ग्रुप भी कैसे बनेगा जब हम उनके करैक्टर्स देखेंगे, उनके फीचर्स देखेंगे, जिनके फीचर्स और करैक्टर्स सेम मिलते हैं, हम उनका ग्रुप सेम बना देंगे। तो मतलब जिनके करैक्टर्स और फीचर्स देख के, उनके आइडेंटिफिकेशन करके, उनकी क्लासिफिकेशन करके, अगर हम उनके करैक्टर्स सेम दिख रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम उन सभी को उठा करके एक ग्रुप के अंदर रख दें तो वो क्या हो जाएगी? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए, द प्रोसेस बाय विच साइंटिस्ट ग्रुप सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये ग्रुप कौन करते हैं? ये साइंटिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट कौन? अभी जो हम पढ़ेंगे। तो भाई, जो स्टार्टिंग के जो साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, ठीक है, कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई आई थी, किस बेसिस पे साइंटिस्ट ने आगे डिस्कवरी किया है, तो वो थे हमारे एरिस्टोटल भैया जी। इन्होंने हमें ये बताया था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कैसे साइंटिस्ट क्या करते हैं, कैसे उनको क्लासिफाई करते हैं, उनके फीचर्स देख के जैसे भी वो क्लासिफाई करते हैं, तो ये एरिस्टोटल ने हमें बताया था। ठीक है, सो देखो, एरिस्टोटल इज द फर्स्ट हु अटेम्प्ट फॉर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आफ्टर देन जो आए थे, विच इज योर कार्नेस लिनियस, इन्होंने हमें दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि था आपका प्लांटे और एनिमेलिया। कौन से थे? प्लांटे और एनिमेलिया। फिर हमारे आए थे आर एच विटाकर, इन्होंने दिए थे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। चलिए अब हम एनसीईआरटी से पूरा डिस्कस करते हैं अच्छे से। ठीक है, आज जो इस चैप्टर में जो जो मेन फर्स्ट 2 पेजेस में गिवन है वो हम सारा डिस्कस कर लेंगे। सो चलिए, सिंस द ड्रोन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब से भैया सिविलाइजेशन चलती आ रही है, अब तक बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस काम में। इट वॉज डन इंस्टेंटिवली, not using criteria that were scientific but born out of need to use an organism for our own use for food, shelter and clothing। जैसे कि अभी plants हो गए, है ना, प्लांट्स हो गए, उनको हम कैसे यूज करते हैं? फूड के लिए यूज करते हैं, शेल्टर के लिए यूज करते हैं, एनिमल की फर जो होती है, एनिमल की फर जो होती है वो क्लोथ में यूज आती है ना, तो मतलब उन सब चीजों को हम साइंटिफिकली यूज करते हैं, उनका इकोनॉमिक यूज होता है। ठीक है, एरिस्टोटल जो पहला था जिसने हमें बताया था, फर्स्ट अटेम्प्ट उसी का था, अर्लीस्ट अटेम्प्ट था, जिसने क्लासिफिकेशन बताई थी कैसे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जाती है, कैसे अलग अलग साइंटिस्ट आगे आके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, चलिए, ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, उसने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स लिए थे, ट्रीज की शूट हो गई, हर्ब्स हो गई, शर्ब्स हो गई। ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप्स, रेड ब्लड वाले और जिनके पास रेड ब्लड वाले नहीं है, मतलब एनिमल्स को भी उसने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, दोज हैविंग द रेड ब्लड एंड दोज हैविंग द रेड ब्लड नॉट। ठीक है, लिनियस जो आया था फिर, वो कार्लियस लिनियस, लिनियस का पूरा नाम है कार्लियस लिनियस, जिसने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांटे एंड एनिमेलिया की। उसने जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उसने ये डिस्टिंग्विश नहीं किया था किसके बारे में हमें किसके डिफरेंस हमें नहीं बताए थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस उसने नहीं बताया था, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस भी उसने नहीं बताया था। फिर फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब ग्रीन एल्गे या फिर फंजाई, इनके बारे में उसने डिफरेंस नहीं बताया था, बट ये डिफरेंस अब हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वे इजी टू अंडरस्टैंड। ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन जो बहुत ईजी है समझने के लिए, ईजी वे में साइंटिस्ट ने इसको क्लासिफाई किया गया ताकि हम अच्छे से इनको समझ सके। हर एक ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स फीचर अगर हमें सेम लग रहे हैं तो हमें याद करने में भी उन्हें आसानी हो जाती है ना।
बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इन टू इधर कैटेगरी, बट ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, तो उनकी भी क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट आए थे, ठीक है। चलिए, हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इन एडिक्वेट। मतलब ये जो दो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इसने बनाई, प्लांटे के और एनिमेलिया के, भाई अब सभी को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक तो क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है ना, तो मतलब ये जो उसने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने बनाया था वो इन एडिक्वेट हो गया टाइम के बढ़ते, समय के बढ़ते वो क्या हो गया, इन एडिक्वेट हो गया। मतलब फिर और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने और भी क्लासिफिकेशन उनके अच्छे से की थी, ठीक है। Hence the two, besides gross morphology, nature of wall, mode of nutrition, फिर हमें पता चला कि कैसे उनकी वॉल है, कैसे उनका न्यूट्रिशन का मोड है, कैसे उनका हैबिटेट है, रिप्रोडक्शन का मेथड सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, क्या उनमें रिलेशनशिप है, क्या कंबिनेशन है, क्या कनेक्शन है, वो हमें और अदर क्लासिफिकेशन से पता चली। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर अ टाइम। जैसे ही समय बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लासिफिकेशन के चेंजेस बहुत सारे आते जा रहे हैं, ठीक है। कैसे क्लासिफाई किया था, पहले तो प्लांटे और एनिमिलिया किया गया था ना, लेकिन अब और भी क्लासिफिकेशन बढ़ती गई समय के बढ़ते, ठीक है। दो द प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम्स हैव बीन अ कॉन्स्टेंट अंडर ऑल द डिफरेंट सिस्टम्स। सभी का सिस्टम अलग है, सभी की क्लासिफिकेशन अलग है, सभी की फीचर्स अलग हैं, ठीक है। तो उनको क्लासिफाई कैसे किया गया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग, नंबर एंड द नेचर ऑफ देयर किंगडम हैव बीन ऑल्सो अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। क्या नेचर है उनका, क्या उनको हैबिटेट दिया जा सकता है, क्या उनकी इवोल्यूशनरी है, ये सब चीजों के बारे में टाइम के बढ़ते अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमें इन सब चीजों के बारे में बताया। देन आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम्स गिवन है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिला, और ये किसने डिस्कस किए थे, इसने, आरएच विटाकर ने। तो एक बार नीचे वाला पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं, फिर ये क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, आरएच विटाकर ने 1969 में प्रपोज किया, मतलब दी हमें, क्या दी, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे। ये आपको पता होनी चाहिए आरएच विटाकर ने कब दिया था, 1969 में, और कितने दिए थे, पांच दिए थे, नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम, जो मेन क्राइटेरिया उसने यूज किया था वो क्या थे, क्या उस सेल का टाइप था, क्या उस सेल वॉल थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब चीजों के बेसिस पे उसने वो क्लासिफाई किए थे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी, ठीक है। चलिए, द थ्री डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इंटू टू डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम जो हमारा था, ठीक है, थ्री डोमेन सिस्टम वो भी चेंज हो गया, वो डिवाइड हो गया, प्रपोज दोबारा किया गया किसमें, टू डोमेन सिस्टम में, ठीक है, ठीक है, किंगडम मोनेरा इंटू टू डोमेन सिस्टम, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स। इसमें प्रोकैरियोटिक आए, यूकैरियोटिक नहीं आए, रिमेनिंग कर दिया, मतलब छोड़ दिया, यूकैरियोटिक को छोड़ दिया, ठीक है। उनके अलावा जो है थर्ड डोमेन सिस्टम एंड देयर बाय अ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर एक सिक्स किंगडम भी क्लासिफिकेशन आई, ठीक है। जब ये थ्री डोमेन टू टू डोमेन हुआ, बट ये प्रोकैरियोटिक में हुई, यूकैरियोटिक में फिर भी थ्री डोमेन सिस्टम है, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट दिस इन द डिटेल इन द हायर क्लासेस। इसके बारे में आपके इस चैप्टर में गिवन नहीं है, ये आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। लेट अस लुक एट दिस फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टूड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। चलिए, अब इन पांच के बारे में तो हम डिस्कस करते हैं चैप्टर में, जो हमें पूरा डिटेल में डिस्कस करवाया गया है। ये तो सिंपल एक टेबल जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, वही हमने टेबल यहाँ पर बना रखी है, ठीक है। ये तो सिंपल टेबल है, जो मेन पॉइंट हमें पता होने चाहिए, एट अ टाइम कोई पूछ ले हमसे तो ये पॉइंट हमें पता होने चाहिए, बाकी जो डिटेल गिवन है वो आपके नेक्स्ट पेजेस पे एनसीईआरटी में आपके गिवन है, ठीक है। ओके, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स बैक्टीरिया। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन के सिस्टम थे वो क्या इंक्लूड करते थे, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, मोसेस हो गया, फॉन्स हो गया, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, अंडर प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स की कंसिडरेशन के अंडर है सारे, ठीक है। करेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैज सेल वॉल
इन देयर सेल्स। ये भी क्या कहते हैं कि मतलब सभी के पास एक सेल वॉल होती है, सभी का अपना एक अलग करेक्टर्स होते हैं, अलग फीचर्स होती हैं, अलग उनकी सेल का टाइप होता है, अलग उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सभी की फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में सभी की चीजें अलग है। ओके, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफरेंशिएट इन अदर करेक्टरिस्टिक। ये ग्रुप में रखे तो गए हैं लेकिन इनकी करेक्टरिस्टिक वाइडली डिफरेंट भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी की करेक्टर्स बिल्कुल सेम ही है। जैसे कि जो लायन होता है ना, लायन होता है, टाइगर होता है, सॉरी लेपर्ड हो गया और कैट हो गया। लेपर्ड और कैट के कुछ फीचर्स करेक्टर्स बहुत से मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैट को हम लेपर्ड बोल दें और लेपर्ड को हम कैट बोल दें, ऐसा नहीं है। मतलब उनके वाइडली करेक्टरिस्टिक डिफरेंट भी है। ठीक है, ओके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वन से फॉर एग्जाम्पल क्लैमिडोमेंस स्पाइरोगायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गे। ये एल्गे के अंडर रखे गए थे और वो जो हमने ऊपर डिस्कस किए वो प्लांट्स के अंडर रखे गए थे। प्लांट्स के अंडर क्या थे, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई, मोसस स्पॉर्म्स, जिम्नोस्पॉर्म्स, एंजियोस्पॉर्म्स, ये सारे प्लांट्स के अंडर है और ये कौन से है, फंजाई के अंडर है। ठीक है, सॉरी एल्गे के अंडर है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रोपिक के, मतलब इनके बीच में उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया इस वाली क्लासिफिकेशन ने, फंजाई है या फिर ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट है। या तो वो हेटरोट्रोपिक फंजाई है या फिर वो ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट है, इसके बारे में डिफ्रेंशिएटेड नहीं किया गया इस क्लासिफिकेशन में। ठीक है, सारा एनसीईआरटी में गिवन है, आपको कुछ भी बाहर से नहीं है, एनसीईआरटी में जो है मैं आपको वही बता रही हूँ। दो दे ऑल्सो शोड अ करेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। तो हमें ये भी पता चला कि उनके सेल वॉल कंपोजिशन में भी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक अलग है। ठीक है, जैसे कि हमने दो सिस्टम पढ़े थे क्लासिफिकेशन के, एनिमली और प्लांटे, तो भाई उनमें हमें बहुत सारे लॉन्ग टाइम के लिए क्लासिफिकेशन बहुत सारी अलग भी मिली करेक्टरिस्टिक उनके। फिर फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आए, इसमें भी उनके अलग करेक्टरिस्टिक हमें मिले गए हैं, तो हम यहाँ पर टेबल में डिस्कस वो करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार नेक्स्ट पेज पे और देख लेते हैं जो भी गिवन है। ये सेल वॉल में या फिर ग्रीन प्लांट सेलुलोसिक है या नॉन सेलुलोसिक है या फिर सेलुलोस प्रेजेंट है ही नहीं है ना, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। When such characteristics were considered, fungi were placed in separate kingdom. जब हमें ये पता चला कि फंजाई वगैरह में, ठीक है, स्पाइरोगायरा वगैरह में इनके सेल वॉल डिफरेंट है, ठीक है, विद अकॉर्डिंग टू प्लांट एंड एनिमेलिया इनके सेल वॉल वगैरह डिफरेंट है, तो इनके लिए एक अनदर किंगडम बनाया गया, विच इज योर किंगडम फंजाई। क्लियर, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके अंडर आते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके अंदर आते हैं, सॉरी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर नहीं, यूनिसेलुलर। मेन पॉइंट यहां पर जो आपको गिवन है कि सभी जो प्रोकैरियोटिक है वो तो मोनेरा के अंदर आ गए, लेकिन जो यूकैरियोटिक है वो किसके अंदर आ गए हैं, आए तो वो आए तो वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर है, बट आए कौन से, यूनिसेलुलर आए, मल्टीसेलुलर नहीं आए हैं। ठीक है, ओके। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच आर अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, अलग अलग क्लासिफिकेशन, सभी के अलग अलग किंगडम है। ठीक है, अलग अलग किंगडम में क्या क्या अलग अलग इनके डिफरेंस है, क्या क्या अलग अलग इनकी क्लासिफिकेशन है, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, This happened because the criteria for classification change. ये क्यों किया गया है, किंगडम फंजाई को क्यों अलग किया गया है, क्योंकि इनकी क्लासिफिकेशन थोड़ी अलग हुई है। ठीक है, इनमें करेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें अलग मिल चुके हैं, डिफरेंट हमें मिल चुके हैं, तो इसलिए किंगडम फंजाई को एक अलग किंगडम में रखा गया है फंजाई को। ठीक है, ओके। द चेंजेस विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ओवर टाइम एंड अटेम्प्ट has been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physiological, reproductive similarity but also the phylogenetic is based on evolutionary relationships. उनकी morphology, anatomy या फिर उनकी physiology देख के हम नहीं बता सकते, उनकी जो उनपे जो based phylogenetic, मतलब क्या उनका gene भी same है, ठीक है, genetic traits वगैरह वो सब same है या फिर वो भी different है, इसके बेस पे भी classification है। ठीक है, इसके बेस पे भी हमें अलग अलग किंगडम को अलग अलग रखना पड़ा। ठीक है, अलग अलग किंगडम की क्लासिफिकेशन अलग अलग की गई है, यहाँ पर डिफरेंस बताए गए हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी करेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई ऑफ द विटाकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। आर एच विटाकर ने हमें जितने भी फाइव क्लासिफिकेशन दिए हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे।
किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया कॉमनली रेफर टू एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स। प्लांटे को, इस वाले प्लांटे को और एनिमेलिया को, ये प्लांट्स के लिए होता है, ये एनिमल्स के लिए होता है, तो इनको मेनली प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम भी बोल सकते हैं। रिस्पेक्टिवली विल बी डिफॉल्ट सेपरेटेड इन द थर्ड और फोर्थ सिस्टम। किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया अलग सेपरेटेड हैं, इनके लिए एक अलग आपके इनके लिए आपके पास एक अलग सिस्टम बनाया गया है, अलग चैप्टर बनाया गया है, आपको अच्छे से समझ में आए। चैप्टर नंबर थर्ड प्लांटे है और चैप्टर नंबर फोर्थ आपका एनिमली है, क्लियर। उसके बाद हमारी मोर्फोलॉजिकल, जैसे कि हमें पूछा, हमें कमेंट्स आ रहे थे कि मोर्फोलॉजी वाली वीडियो भी बनाओ, तो भाई वो वीडियो हम बनाएंगे, सीरीज वाइज बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में चैप्टर छूट जाते हैं। जो आगे आपको मोर्फोलॉजी वाले चैप्टर में गिवन है वो पीछे वाले से रिलेटेड चैप्टर होते हैं, तो सीरीज में चलना ही ठीक रहेगा, है ना। तो इसीलिए हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, आगे हम नहीं लिए, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो के जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग किंगडम्स के, तो देखो सेल का टाइप मोनेरा का होगा प्रोकैरियोटिक, बाकी जितने भी है सबका क्या होगा, यूकैरियोटिक। सबसे इजी ट्रिक, सेल का टाइप कौन सा है, ओनली मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी जितने भी सारे हैं वो क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है, जितने भी सारे हैं वो क्या है, यूकैरियोटिक है। सेल वॉल की अगर हम बात करें, मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोसिक होती है, ठीक है, पता होना चाहिए, मोनेरा के अंदर सेलुलोस वगैरह सेलवोल में प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटिस्टा कुछ में प्रेजेंट हो जाता है, कुछ में नहीं होता है, मतलब मे बी चांसेस है भी और चांसेस नहीं भी है। फंजाई में प्रेजेंट विद द काइटिन, सेलवोल के अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है ना, हार्ड स्ट्रक्चर जो प्रोटेक्टिव लेयर के काम करती है ना, काइटिन, वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। वो किस में प्रेजेंट होता है, कुछ में प्रेजेंट हो जाता है काइटिन के साथ और कुछ में प्रेजेंट नहीं होता है। प्लांटे तो सेलुलोसिक ही होता है, ठीक है, मेनली प्लांट्स में सेलुलोस प्रेजेंट होती है ना वॉल के अंदर, तो प्लांटे तो सेलुलोसिक होता है। एनिमेलिया में सेलवॉल अब्सेंट है, क्या है, सेलवॉल अब्सेंट है, सेलुलोसिक भी नहीं है, नॉन सेलुलोसिक भी नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, फंजाई में भी होती है, मतलब मोनेरा में नहीं होती, बस फंजाई में भी होती है, प्रोटिस्टा में भी होती है, प्लांटे में भी होती है, एनिमेलिया में भी होती है। ओनली एक मोनेरा ऐसा है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, सेलुलर, मोनेरा में भी सेलुलर है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर है, फंजाई जो है उसकी है मल्टी सेलुलर, फंजाई की क्या है, मल्टी सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सेल, ऑर्गन सिस्टम सब है, ठीक है। ये तो क्या है, सेल के बेस पे है, ये भी क्या है, सेल के बेस पे है, बट ये मल्टी सेलुलर है, अलग अलग टाइप्स के सेल है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के सेल पे बेस्ड है। प्लांटे जो है वो टिश्यू और ऑर्गन पे बेस्ड है, एनिमेलिया के अंदर टिश्यू हो गए, ऑर्गन हो गए और ऑर्गन सिस्टम भी आ गए। चलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या उनका न्यूट्रिशन का मोड है जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है, जिससे वो जी रहे हैं, मतलब न्यूट्रिशन तो चाहिए ना बॉडी को, तो वो क्या मोड है उनका न्यूट्रिशन का। मोनेरा जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, प्रोटिस्टा क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, फंजाई हेटरोट्रॉफिक है, प्लांटे ऑटोट्रॉफिक है और एनिमेलिया हेटरोट्रॉफिक है। तो पता होना चाहिए जो फंजाई है और जो एनिमेलिया है, फंजाई और एनिमेलिया दोनों क्या है, हेटरोट्रॉफिक है, और बाकी ये तीनों जो बच गए प्लांटे और ये प्रोटिस्टा और ये मोनेरा आपके क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, और जो आपका ये है एनिमेलिया और फंजाई आपके हेटरोट्रॉफिक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, और यही आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। पहले दो पेजेस हमारे हो चुके हैं, उसके बाद हमारे किंगडम स्टार्ट हो रहे हैं मोनेरा के साथ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से हम डिटेल में एनसीईआरटी बेस्ड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करो और हिट द बेल आइकन गाइस, तभी तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया करो गाइस, ताकि उनको भी हमारे चैनल से स्टडी करने के लिए हेल्प मिल सके। अगर आपके यहाँ पर कोई डाउट रह जाते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लास भी ले सके। और अगर आप हमारे एंटरटेनमेंट चैनल देखना चाहते हो, कॉमेडी व्लॉग्स या फिर एंटरटेनमेंट व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स, तो आप हमारे उस चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो, अमन क्रिएशन व्लॉग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर आप जाकर भी विजिट करो, हमारे व्लॉग्स देखो, ठीक है, सपोर्ट करो गाइस और ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा करो गाइस, ताकि हमें ऐसे मोटिवेशन मिलते रहे और आपके लिए हम रोज वीडियो अच्छे से बना सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।